सीबीआई विवाद पर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी ने अब नेशनल हेराल्ड के बहाने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। भोपाल में जहां पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, कहा बीजेपी के पास गांधी परिवार की सच्चाई सामने लाने के लिए पर्याप्त सबूत है। और नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों ही 50,000 के वॉन्ट पर बाहर घूम रहे हैं, यह दोनों जेल से कुछ कदम की दूरी पर है। राहुल गांधी इसमें एक्यूज नंबर दो है। ये जो लूट हुआ है ये प्रॉपर्टी अब राहुल गांधी के पास गई है, सोनिया जी के पास गई है, क्योंकि वो यंग इंडिया के मालिक है। तो इसमें एक्यूज नंबर वन सोनिया गांधी जी है और एक्यूज नंबर टू राहुल गांधी जी है। दोनों ने लूटा है और उसके बाद दोनों आज बेल पे बाहर है, 50,000 रुपए के मुचलके पे, जिसको अंग्रेजी में बेल बॉन्ड कहा जाता है। माता और पुत्र दोनों बेल पे बाहर हैं और जेल से कुछ कदम भी मुझे लगता है दूर है।